जय श्री राम। हर महादेव। हर्ष सिकारा भाई ने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने कई सारी चीज़ें बोली जो कुछ हद तक सही भी है। अब मेरा उनसे सवाल है भाई, ये वीडियो शेयर कर देना और भाई तक जरूर पहुंचा देना। हम भी भाई का सम्मान करते हैं और सपोर्ट करते हैं। जो बातें भाई ने कही वो सही भी हैं। अब मेरा एक सवाल ये है, पहले तो भाई एक बात बताओ, फ्रांस में तो बीजेपी नहीं है, ठीक है? दूसरा, राजस्थान में तो बीजेपी नहीं है, कर्नाटक में तो बीजेपी नहीं है, तमिलनाडु में तो बीजेपी नहीं है, केरला में तो बीजेपी नहीं है, पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी नहीं है ना भाई, फिर वहाँ ये सब क्यों हो रहा है? दिल्ली में तो बीजेपी नहीं है ना। अब जो आपने बात की, चलो मान लेते कुछ उसमें से सही है कि भाई हिंदू मुस्लिम, भाई ये आज से थोड़ी ना चल रहा है। आपने बहुत सारी बातें कही जो बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ आपकी बातों से, लेकिन मेरे भाई ये तो बता दे किया क्या जाए। आप समाज सेवी हो, आप कह रहे हो भाई आप भी गए, आपसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आप कह रहे हो भाई मैं हिंदू हूँ, भाई बात हिंदुत्व की है ही नहीं। मुझे एक बात बताओ, हम तो चले संविधान से, वो चले शरिया से, आप कभी इस बात में तो जिक्र करो उनसे कि कहो भाई ठीक है तुम इतने ही अच्छे हो, इतने ही बढ़िया लोग हो, इतने शांति प्रिय लोग हो, तो भाई तुम भी संविधान मान लो। आपने जिक्र किया ना इससे तो बढ़िया राजतंत्र ही था, तो भाई अभी क्या दिक्कत है? एक बात बताओ यार मेरे को, हर्ष भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं भाई को सल्यूट करता हूँ, दिल से रेस्पेक्ट है भाई की, लेकिन भाई कम से कम लाइव आके ऐसी बातें तो करो जिससे युवा मोटिवेट हो। आप कह रहे हो कि ये इसलिए ये जितने भी लोग वहां पे यात्रा निकालने गए थे ये सब बेरोजगार है। पहले कोई रॉकेट नहीं बना रहा था मेरे भाई, तू भी रॉकेट नहीं बना रहा था पहले, ठीक है? तेरी भी एज मेरे हिसाब से 30 साल है, तेरे पे कोई रोजगार नहीं है, और जब तू इस समाज सेवा में आया है, अगर तेरे को कोई अच्छा ऑप्शन मिलता ना मेरे भाई तो तू वही काम करता। तू पैदा इसी ह्यूमन पैदा नहीं हुआ था कि भाई तेरे तो एकदम से तू ऐसे ही काम करेगा, समझ भाई मेरे भाई बात? और सिंपल मैंने जो पूछा मेरे को उनके जवाब दे दो तुम, जो जो चीजें मैंने पूछी है भाई, बेकार का ड्रामा मत कर यार। भाई कौन है, चारा कौन है, सबको पता है। इनके ही बहुत बड़े मौलवी ने बोला है कि देश तो संविधान से चलेगा न्यूज चैनल में, ठीक है, लेकिन मैं सरिया से चलूंगा। अब कहां गया भाईचारा भाई, अब कहां गई इनकी शांति? भाई बेकार के ड्रामे मत कर यार, ये चीजें बेकार है। कुछ चीजें सही है मैं मानता हूं, लेकिन भाई ये लोग तो सरिया से चल रहे हैं, ये भी तो बोल। तुम मेवात में गए, अच्छी बात है भाई, तुम्हें बहुत बढ़िया भाईचारा मिला। एक एग्जाम्पल गिनवा दे कि किसी भी मुसलमान ने पैसा इकट्ठा करके हिंदू बहन बेटियों की ब्याह करे हो, तू कर रहा है भाई। हम तो नहीं कह रहे कि हम भी डोनेशन देते, चलो देते, वो बात अलग है। तुझे बड़ा भाईचारा नजर आ रहा है भाई, इनमें तुझे बहुत अच्छे लोग लग रहे हैं। और अपने कमेंट पढ़ कि किन के तेरे को बढ़िया कमेंट आ रहे हैं। बेरोजगार ये रॉकेट नहीं बना रहे थे पहले लोग? फिर जब बेरोजगारी की बात करें तो भाई पॉपुलेशन पे भी बात कर लेता कि भाई पॉपुलेशन मत बढ़ाओ, करो बात। यूसीसी के लिए बोल भाई, समान अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? एक बंदा तो अपने ग्रंथ नहीं पढ़ सकता, एक अपने पढ़ सकता है, ये कहां का तरीका है? एक बंदे का डोनेशन का पैसा सरकार यूज करेगी, एक बंदे का डोनेशन का पैसा वो खुद अपने धर्म के लिए यूज करेंगे, इस पे भी बोल लेता, बोलता ना भाई मेरे, हम तो मान लेते भाई बहुत ही बढ़िया भाई है हमारा। भाई ड्रामे मत कर, मेरी वीडियो को भाई तक पहुंचाओ और भाई जवाब दे दे तू इस चीज का। मैं तो एक सिंपल एक जवाब पूछना चाह रहा हूं भाई से, तो भाई एक बात बता, तेरे को बीजेपी से दिक्कत है? हो, मैं तेरे साथ हूँ उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, जो तू कहेगा हम वो मानने को तैयार है। हम करें तो करें क्या फिर, बता दे हमें, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। जिस संविधान की तू दुआई दे रहा है, ये दुआई दे रहे हैं, उसको यही मानने को तैयार नहीं है। वीडियो को शेयर करो और भाई तक पहुंचाओ। जय श्री राम। हर हर महादेव।